गेगल थाने में शुक्रवार को अपने साथ करीब 3.25 लाख की लूट की वारदात की झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले को कुछ ही घंटों में अनुसंधान कर खोल दिया, जिसमें लूट की कहानी झूठी होना सामने आया। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गेगल थाना प्रभारी चितर सिंह शेखावत ने बताया कि ग्राम उटड़ा निवासी आरिफ ने 4 अगस्त को शिकायत दी थी कि वह अजमेर में राजा साइकिल चौराहे के निकट से एक व्यक्ति से अपने सेठ का 2,77,400 रुपये नकदी लेकर जा रहा था। रास्ते में वह MDS के निकट पानी पताशी खाने के लिए रुका। उसके बाद वह विभिन्न मार्गों से होते हुए गाँव लौटा। रास्ते में उसे रात करीब 7:45 बजे काले रंग की पल्सर पर सवार होकर 2 युवक ने लात मारकर उसकी बाइक को गिरा दिया और उसे गिरते हुए पीछे बैठा युवक उसके हाथ से रुपए की थैली लेकर फरार हो गया। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज किया और मामले को गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की, लेकिन जांच के दौरान घटना साक्ष्य नहीं मिलने पर पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने जब परिवादी आरिफ से ही गहनता से पूछताछ करना शुरू किया तो उसके बयानों से विरोधाभास अनुभव हुआ। उसके द्वारा लूट की वारदात झूठी बताने का शक होने पर जब गहनता से पूछताछ की गई तो मामला कुछ और ही स्पष्ट हुआ। आरिफ ने रिपोर्ट झूठी दर्ज कराना कबूल लिया, जिस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई में अहम भूमिका प्रेमचंद मीणा कांस्टेबल, ऋषेंद्र सिंह कांस्टेबल, राजेंद्र चौधरी कांस्टेबल की रही। 22 साल निवासी होता है। तो थाने का यार उसने बताया कि मैं हसुद्दीन जी है जो उपड़ा कहने वाले हैं, उनकी ग्रे नाइट कटिंग मशीन के पास बनने की उनके घर थे किशनगढ़ में, उनके मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और उनके द्वारा कहने पर मैं उनका बकाया पेमेंट लेने के लिए अजमेर गया। अजमेर में फलेश पटेल है उनके यहाँ गया था और मैं वहाँ से 2,77,420 रुपये समथिंग मैं वहाँ से लेकर के और मैं रवाना हो गया। जो ही मैं मेरे ऊपरा गांव के पहले एक तालाब आता है वहाँ मैं पहुँचा तो 2 लड़के जो पल्सर मोटरसाइकिल ऊपर आए और उन्होंने मेरी चलती मोटरसाइकिल पर लात की मार के मुझे नीचे गिरा दिया। वह मेरा जो पैसों से भरा हुआ बैग था वो छीन के ले गया। रिपोर्ट ले गया, रिपोर्ट आता हमने तुरंत कार्रवाई करके पूरे अपने अजमेर एम के अंदर नाकाबंदी कराई और मैं और मेरा जाबता चारों तरफ मुसलमानों की तलाश में रवाना परिवार जी के साथ किया। परिवार जी के कहने पर हम जो उसमें एक बार मुझे रखना मांग कही वहाँ जाता है कि मेरे हाथ कुछ नहीं लगा वापस आ गया वहाँ जाते मुझे वापस हम दोबारा लेके गए। उसको तो ये बताया तुमने पैसे किसने कसा, मेरे मालिक को ये नंबर बताया कि वहाँ से ये पैसे दे दिए। वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे तो जो पटेल जी हैं वो मिल गए और उन्होंने पैसे देते हुए हमारे सारे शिक्षक कमरे में हमने पैसे दे पैसे लेते हुए जिनके उसको फिर उसको रस्ते में पूछा किया हमने जो जो सीसी कैमरा वो चीख किया तो हमने यादव ढाबा पर एक सीसी कैमरा लगे वहाँ चीख किया। तो जबकि इसने हमें यादव ढाबा पर इतना नहीं बताया वहाँ हमने उसके सीसी कैमरे चेक किए तो सीसी कैमरे में उसका वहाँ आना पाया गया। जब हमने वहाँ पर अनुसंधान करके पाया गया तो उसने 27,000 रुपये उस रकम से निकाल करके और अपने खाते में उसने डला लिया। उसके भी फुटेज हमने ले लिए। फिर यहाँ जाकर से मनोवर्धन ने प्रिंट करके पूछताछ की तो इसने सारी बात बताई कि साहब जो पैसे थे जो मैंने बदनीयती से हड़पने के लिए मैंने ये पूछा मुकदमा दर्ज किया है। फिर मैंने इसके स्कूटर अनुसंधान किया सर अभी तक तो यही है बात जाते हैं फिर भी और हमें सुना इसलिए थाने में हमारे यहाँ पर निर्भर कर।